वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के लघुत्तर प्रश्न आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा, परिस्थिति समुच्चय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परिस्थिति समुच्चय से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त नहीं करता, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर उसकी अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है वो एक समय पर केवल एक ही परिस्थिति प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वो विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर उसकी अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं या होती हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक समय में अनेक परिस्थितियों को एक साथ धारण करने की दशा को परिस्थिति समुच्चय या परिस्थिति संकुल कहा जाता है, ठीक है ना। कि एक व्यक्ति द्वारा एक समय में अनेक परिस्थितियों को एक साथ धारण करने की दशा को क्या कहा उन्होंने, परिस्थिति समुच्चय या परिस्थिति संकुल कहा। मर्टन ने इसी दशा को परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति समुच्चय के नाम से संबोधित किया। किसने, मर्टन ने। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति एक समय में व्यापारी, पिता, पुत्र, भाई, चाचा, ताऊ, मामा आदि परिस्थितियों को एक साथ धारण करता है। व्यक्ति की यही स्थिति उसके परिस्थिति समुच्चय का निर्माण करती है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।